मेरा नाम ठरकी सिंह है जी, ठरकी सिंह। वो इतने हार्ड वर्किंग है मैं बता नहीं सकती, ही इज सच अ हार्ड वर्किंग मैन। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल के दिन आप सभी को बता भी दिया था और आपको भी दिखाई दे ही रहा होगा कि राज कुंद्रा के दिन कितने ज्यादा भारी चल रहे हैं। जमानत तो छोड़ ही दीजिए, 27 जुलाई तक वो अंदर ही रहने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी बात का पता चला था कि राज कुंद्रा जो पॉर्न फिल्म्स का धंधा चलाते थे, वहां से कमाए हुए पैसों से राज कुंद्रा बेटिंग भी करते थे, यानी कि सट्टेबाजी भी किया करते थे। और तो और 119 फिल्में जो राज कुंद्रा द्वारा बनाई गई थी, उसके बदले में राज कुंद्रा 9 करोड़ रुपए का सौदा भी करने जा रहे थे। इसकी भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि इस धंधे ने राज कुंद्रा को कितना मोटा माल कमा करके दिया होगा। खैर, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि राज कुंद्रा के खिलाफ पिछले साल फरवरी मंथ में टीवी एक्ट्रेस एंड मॉडल सागरिका सोना सुमन ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, कुछ मीडिया न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया था। अब जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो गई तो उनका पुराना वीडियो भी लाइमलाइट में आ गया और उनके कुछ नए बयान भी सामने आए, जिसमें उन्होंने राज कुंद्रा को लेकर खुलकर अपनी बातें कही। और अभी कल के ही दिन मैंने आप सभी को सागरिका सोना सुमन का वो वीडियो भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि राज कुंद्रा के गुर्गे किस तरह से उन्हें इंटरनेट नंबर से लगातार कॉल करके धमका रहे हैं, उनका रेप करने की, उनका मर्डर करने की, जान से मारने की, बर्बाद करने की लगातार धमकियां दे रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी कंप्लेंट के बाद से हमारा धंधा मंदा चल रहा है, जिस धंधे से एक समय पर हम मोटा माल कमा रहे थे, पर अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में अब सागरिका सोना सुमन द्वारा ओशिवारा पुलिस स्टेशन मुंबई में और एक फ्रेश कंप्लेंट लॉज करवा दी गई है। और अपनी कंप्लेंट में उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जब से मैंने शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के ऊपर FIR करवाई है, तभी से लेकर अब तक मुझे जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। मुझे डर है ये लोग अपने फायदे के लिए मेरी जान ले सकते हैं। तो ये राज कुंद्रा का और एक नया चेहरा जो है हम आम लोगों के बीच निकल कर सामने आया है कि ये किस तरीके से एक टीवी एक्ट्रेस मॉडल सागरिका सोना सुमन के जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो ये थी राज कुंद्रा केस में और एक बहुत बड़ी अपडेट जो मैंने आप सबको बताई है। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।